पलवल के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में इन दिनों जिला बाल कल्याण परिषद के तत्वधान में एक समर साइंस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप के दौरान साइंस से संबंधित कक्षाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं, जिनमें लगभग 300 से ऊपर बच्चे अपनी प्रतिभा को संवार रहे हैं। जिला बाल कल्याण अधिकारी प्रेम कुमार यादव ने बताया कि पलवल में ही जिला प्रशासन द्वारा एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला जाएगा, जिसमें 100 बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी, जिससे जिले के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान को और बढ़ाया जा सकेगा। इस समर साइंस कैंप में कुल 309 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से रेगुलर रूटीन में 200 प्लस बच्चे आ रहे हैं। और इस आज इसका 18वां दिन है और अब तक समर साइंस कैंप में जो हमने सिलेबस करना था उसका 60% हम कवर कर चुके हैं और कैंप बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्या आगामी क्या रणनीति है आपकी इसको कैंप को लेकर? हमारे समर साइंस कैंप की आगामी रणनीति ये है कि पलवल डिस्ट्रिक्ट के लिए गवर्नमेंट ने 100 बच्चों को फ्री कोचिंग के लिए सिलेक्ट किया है और उस 100 बच्चे वो होंगे जो 10th में 90% हैं या 11th में 90% हैं या 12th में 90% लेके पास हुए हैं। और जो बच्चे 12th के पास आउट हैं, जिन्होंने इसमें IIT मेन और एडवांस दिया है, उनमें से 90 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 366, उन बच्चों को फ्री दी जाएगी। और उन्हीं काम के लिए हम 3 जुलाई को एक प्रवेश परीक्षा रखेंगे। उस प्रवेश परीक्षा में भी जो बच्चे 90 प्लस मार्क्स लेंगे, एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे, उसके आधार पे जो बच्चे उस कट ऑफ से ऊपर आ जाएंगे उनको फ्री कोचिंग देंगे। बाकी बच्चों को हम थोड़े से सिंपल अमाउंट की उनसे लेंगे और उनको यहाँ कोचिंग देंगे।